फिलहाल इसका मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। यार ये चिपक के चलती है ना भाई, मजा ही अलग है चिपक के चलने वाली गाड़ियों का। ऊंची गाड़ी चला लो उसका एक अलग मजा है, पर जो ये है ना ये फील देख रहे हो, स्पीड ये अलग ही चीज है। सिर्फ ₹1 में आईफोन 14 चाहिए, अगर चाहिए तो वीडियो आगे देखते रहो, मैं बताता हूँ कैसे मिल सकता है। भाई साहब गाड़ी ऑन करके छोड़ दी है मैंने, तो 2-4 मिनट से ठंडी हो रही है, तो मतलब मुश्किल से आधे घंटे बाहर खड़ी होगी, आधे घंटे में आग लग चुकी थी इसमें, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर एसी चला के। ओहो फर्क तो पड़ रहा है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। भाई इससे मिल लो पहले, तो क्या हाल है, चेन तो अंदर कर ले भाई, तो भाई एक काम कर अपनी हबीबी को तो अपने पास रख ले, क्योंकि मेरा तो वैसे भी पूरा पूरा प्लान बन रहा है BMW निकालने का, BM ही चलाया करूंगा, उसका थोड़ा सा ना उसमें छोटे मोटे काम होने हैं, वो करवा दे, और उसके शायद टायर चेंज होंगे क्या चारों? ना टायर ठीक है, करवाए थे तूने चेंज एक बार पिछली बार, याद है जब मैं पहाड़ों पे एक बार लेके गया था तब उसका टायर फटा था, तो उसके बाद से मेरे अंदर ना डर, लंबा ट्रिप भी तय नहीं मारा अब तक भी, मैं ना मारा। हाँ तो वही थोड़ा सा मेरे वहीं से थोड़ा सा मेरा डर अभी तक भी बैठा हुआ है कि बाय चांस उसमें दिक्कत, उसमें चक्कर ये है ना कि कहीं भी खराब हो गई तो फिर वहीं खड़ी करके वहां से निकलो, वो वाला चक्कर है, फिर उसमें टाइम खराब होता है, और अभी ये प्रेगनेंसी वाली हालत में तो टायर फटना मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता, अगर बाय चांस कहीं टायर फट गया झटका वट गया ऐसे लगे तो दिक्कत हो जाएगी, इस चक्कर में नहीं यूज कर रहा था मैं अभी तक, पर ये कह रहा टायर इसने चेंज करवा दिए, तो भाई BMW निकाल लेते हैं आज। ठीक है निकाल लो भाई, आज BM निकाल लेते हैं। वरना का जो था, वरना का क्या सीन था, वरना का हमारा पूरा पूरा मूड बन गया, सब कुछ हो गया। अब भाई उसकी शक्ल देखी, पहली बात तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, एक दो धेले की नहीं लगी, मतलब है ना कि आगे से जो लुक थी बहुत गंदी लुक आ रखी है वरना की नई वाली। पकड़ी भाई एक बार जीप तो दुला के पकड़ लिया एक बार भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तो उसकी लुक बहुत ज्यादा बेकार आई जो नई वाली आई है, ठीक है बिल्कुल, मतलब मेरे को पसंद ही नहीं आई। फिर मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, इस दांतले को भी मेरे पसंद नहीं आई। फिर मैंने तुम्हारी भाभी से पूछा, मैंने कहा भाई देख ये है, उसने जब व्लॉग में देखा तो उसको वरना वैसे भी कम पसंद थी, और दूसरे नंबर पर फिर जब वो नई वाली की लुक देखी उसके बाद उसने फिर मनाई कर दी, कह रही ये मेरे को चाहिए ही नहीं। मैंने कहा तो फिर दूसरी गाड़ी लिया। सुन अगली गाड़ी रूबिकॉन, अरे वो तो बाद की बात है वो ले आएंगे, पर अभी एक नीची गाड़ी वैसे चाहिए ना, जैसे ट्रैवल करने के लिए चाहिए, प्रेगनेंसी में जैसे भाई मीटिंग्स वगैरह हो, कहीं जाना हो काम से, तो वो वाला चक्कर। फिर डॉक्टर ने उसको इस चीज का मना कर दिया कि आप खुद तो ड्राइव करो ही मत, प्रॉपर मना कर दिया कि खुद ड्राइव मत करो, दिक्कत हो जाए, दिक्कत हो सकती है ऐसे ऐसे करके। तो अब ये है कि ड्राइव तो मैं ही करूंगा, पर साथ में अगर चलने के लिए भी थोड़ा सा नीची गाड़ी हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, तो अपने पास एक BM का ऑप्शन है, तो अभी के लिए वो निकाल रहे हैं हम टेम्परेरी तौर पे, फिर उसके बाद देखेंगे भाई। अभी ये जो बाकी गाड़ियां हैं ये हमारा लेने का कोई दूर दूर तक का कोई सीन था नहीं, क्योंकि वरना का एक अलग टशन था, तो उसमें तो मजा आता अभी, अब वो वाली नहीं ले रहे तो अब देखेंगे गाड़ी का, या तो अभी के लिए कैंसिल ही करेंगे, ड्रॉप करेंगे आइडिया, या फिर देखेंगे एक बार जो भी है ये क्या कौन सी थी वो Volkswagen की वर्चस, हाँ ये वर्चस वगैरह एक बार ये चला के या देखूंगा बाद में आराम से कभी, फिलहाल तो आज निकालता हूँ अपनी BM। ठीक है वैसे चालू कंडीशन में है ना वो, तुम चलाई भी तो थी? हाँ हाँ, अभी सर खड़ी करके जा रहा है, इसे खड़ी कर देता हूँ BM ले जाता हूँ मैं, तो इसे चलाएगा आज अपुन है, बहुत दिनों के बाद स्कॉर्पियो पे वैसे भी इसकी नजर थी अभी भी पे काफी टाइम से, मिल जाए मेरे को तो मिल, मैं बहुत दिनों से यो चला रहा था, थार चला रहा था बहुत दिनों तक, वही लगा दे वही लगा दे BM के पास लगा दे भाई, मुझे बाहर यहाँ से लेके जाना गाड़ी पसंद नहीं है। ओके गाइस नीचे लगा देते भाई, यहाँ देखो यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है दबा के, अब हमारा भी अगर एक घर यहाँ और मिल गया तो यहीं पे शिफ्ट कर देंगे, दोनों घर यहीं हो जाएंगे मतलब आमने सामने, तो उसका फिर अलग ही मजा हो जाएगा, अलग ही टशन हो जाएगा। एक नीचे लगा देता हूँ फिलहाल तो BMW के साथ, चलो बेसमेंट में ये किसी ने दो गाड़ियां खड़ी कर रखी है, बीच में अड़चन आ गई आज, वरना यहाँ बीच में कुछ खाली होता है जगह होती है सीधा ले जाने की, ये अपनी BM गाड़ी है और ये यहाँ और तो बहुत सारी गाड़ी खड़ी है यार, संडे आज इसलिए सारी हो भी चुकी है, लेकिन ये हमारी पार्किंग नहीं है, हमने कब जा रखी है, ये अच्छे काम तो है नहीं खड़ी करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है इतना तो, अभी मतलब यहाँ थोड़े से पार्किंग वार्किंग खाली ही है। भाई ये देख लो ये दांत तो पूरी छील रखी है, मैंने मारी थी भाई, मैंने डंपर में नहीं मारी थी, डंपर वाले ने मेरी गाड़ी मारी थी, और मैंने उसे प्यार से गाड़ी में बैठा के घुमाया और था, फिर मैं इतना अच्छा आदमी हूँ दिल का, पर चलो कोई बात नहीं अभी इसे लेके चलेंगे, इसकी चाबी वाबी ऊपर है, बाकी सारी कंडीशन इसकी ओके है। दांत ले इसका ये क्या है, ऑफिस से ही चल ठीक है, तो भाई मैं अभी इसे लेके ही वापस चल रहा हूँ, तू ये लेके आ जाएगा मेरे पास, BM ले लूँगा इससे और स्कॉर्पियो दे दूँगा, ठीक है
ओके ब्रो। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 14। 10 अप्रैल को इंडियन T20 लीग का मैच है बैंगलोर वर्सेस लखनऊ के बीच, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और अपनी टीम बनाओ इस मैच के लिए। माई 11 सर्कल मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस ऐप में बाकी ऐप्स के कंपैरिजन में कंपटीशन कम है और जीतने के चांसेस ज्यादा है। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो आईफोन 14। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ ₹1 है और ये सिर्फ 10 अप्रैल वाले मैच के लिए वैलिड है और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए सिर्फ मेरे ही लिंक से एक्टिवेट होगा। टूर्नामेंट के हर मैच डे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो एक ब्रांड न्यू ऑडी A4 और साथ में ₹1 करोड़। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री सिर्फ ₹49 है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड Manish23 यूज करो, आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा और ₹1500 का बोनस भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाओ बैंगलोर वर्सेस लखनऊ मैच के लिए अभी। गाइस मैं एक बार घर आ गया था और मैंने अपनी लिफ्ट में क्या देखा, देखो जो ये होते हैं ना ये वर्कर्स, जैसे किसी का ये ग्लास वर्क है तो ये अपना पहले ही से नंबर ऐसे डाल दिया कि किसी को फोन करना हो तो सीधा यहीं से कर ले, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो स्मार्ट स्ट्रेटजी है पर ऐसे लिखना नहीं चाहिए यार, गंदा सा लगता है देखने में। अगर तुम लोग चाहो तो इस भाई के साथ प्रैंक कर देना कि भाई आपको मैं 2 करोड़ का ऑर्डर दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। गाइस मैं मम्मी का आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। मम्मी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, बताओ किस लिए चाहिए? आशीर्वाद हमेशा ही साथ। मम्मी ने पहले ही दे दिया। ओहो चक्कर से आ गया एकदम से यार, पता ना क्यों गर्मी पड़ रही ज्यादा या मेरे में कमजोरी से आ गई। मैं क्या कह रहा हूँ आशीर्वाद किस लिए चाहिए वो तो पूछ लो, किसी के लिए चाहिए फिर भी हो जाएगा माँ का प्यार। मैं इसलिए लेने आया हूँ कि BMW निकाल रहा हूँ आज, मैं चलाऊंगा परमानेंट रख रहा हूँ। अच्छा। मतलब BMW चलानी शुरू कर रहा हूँ क्योंकि नीचे गाड़ी चाहिए ना एक, तो वो करो आशीर्वाद दोगी हो कहीं खड़ी ना हो मेरे। भाई मेरा बहुत ही गंदा रिलेशन रहा है BMW के साथ हमारी, पर एक बार फिर जान का रिस्क लेकर, अपनी जान का रिस्क लेकर दोबारा निकाल रहा हूँ। टायर वायर सब ओके हैं, बस मेरे को यह कि कहीं बंद ना पड़ जाए यार, फिर इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो देखेंगे, दांत लें, हेलो चलें चल। मम्मी ने कोई मतलब ना, मम्मी ने क्या, मम्मी हमने ये भाई गाइस ये हमारी 7 साल पुरानी ये है। 7 साल पुरानी क्यों है? तो 11 साल पुरानी ये है, सॉरी है। सच बताओ, सच बताओ, खराब ना हुई? खराब हो ली हो ना? पहले दांत ले, कई बार खराब होनी, ठीक करवा ले मम्मी। एक बार भी ना गई, एक बार भी बिल्कुल टूट गई थी, या फिर जोर जोर सोनू ने फिर ऐसी कैसी, भाई पता नहीं क्या है ये, पर करना वाला करना एक बार वो, तू ही तोड़ा ये, कुछ ज्यादा ही कर रही है। हां मैं बताऊं सुनो, मैं बताऊं, एक बार इसका तार निकालो, थोड़ा सा इसे धो, ठीक है, और अपनी देखो इतनी हाइट से नीचे गिर दो। सुन रहे हो मम्मी? ध्यान, चल भाई BMW निकालेंगे। ओहो ठीक हो गई भाई, आवाज ठीक हो गई। अच्छा आप किधर है भाई? BMW की चाबी मिल गई है, हम जा रहे हैं मम्मी, ठीक है, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। चल भाई दांत जल्दी चल, मुझे कहां ले जा रहे भाई? चला के दिखा, चला के दिखा मैं, मेरे को चाहिए चालू कंडीशन में, मेरे को चालू करके दे दे एक बार में चालू हो जाए और फिर मैं ले जाऊँ, तब तक के लिए मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है अगर बाय चांस अभी गया और नीचे भी स्टार्ट ना हुई ना तो दांतला मेरे से कहेगा कि तूने खराब कर दिया। क्यों कर गया तूने? और वो सुन, कर गया तू खराब ही लाएगा अब ना, तो 10 दिन बाद सुन, तेरे बस की नाम चलानी। क्यों क्यों हर बार जिस टाइम पे तूने गया खराब कर रहा है वो एक अलग बात, वो जो था वहां गया था तू घूम रहा ना पहले, अगर टायर पंचर हो जाता है तो क्या करना चाहिए? पंचर लगवाना चाहिए, घर तक पहुंचना चाहिए उसे धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा वो खुलवाना पड़ता है टायर, उसमें नूना हथौड़ा मरवाना पड़ा, वो लोहे की पूरी ऐसे कर रखी तेरे, जो भी है भाई मैंने तो हथौड़ा लगवाया उसमें बहुत, क्योंकि अब तो फिर भाई आधी रात को 2 बजे 1:30 बजे जो मिल गया वो मिल गया। अरे तो वो जो देसी पंचर वाले मिले थोड़ी, वो तो भाई जो जैसे देसी पंचर वाले मिले उनसे लगवा दिया, खराब कर दिया पूरा, कोई बात नहीं चेंज करवा दिया तू। गाइस जय माता दी। ले भाई लाइट तो जल रही है अंदर की है, तो लाइट क्यों ना चसेगी भाई, खिड़की खुलेगी तो चसेगी बेटे। चल और मैं तो ये भी बोल रहा चाबी इधर साइड लगेगी, वहां लगेगी पर है ना। हां हां अब तो पता चल गया अंदर करने बाद। 1 2 3 तू कहना पागल पागल लगा रहा है भाई, गार्डन तो कोई घर वो थोड़ी है, ये न्यू कार किसकी है? एक बार इंच चालू हो गई है, ला ला दे 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 दे, बाहर से दिखाइए कैसा सही लग रहा है। बढ़िया लोग कह रहा है एक बार ही में चालू, एक बार ही में हो है चालू। लो भाई इसकी जो साइड वाले ये इंडिकेटर है ना ये चेंज करवाने पड़ेंगे। हाँ
सेलिब्रिटीज में तो निकलेगा सन रूफ में, ठीक है निकल के दिखाऊं क्या? दिखा दे। नहीं? हाँ खुले, अरे खुलेगा क्यों ना यार भाई, वो थोड़ा सा कांच का सामान है ना, देखियो यार कितना प्यार था खुल रहा है। सुन इसका सनरूफ सबसे टॉप है, मतलब एक बात बताऊं से तो डबल है इसका, पहली बात तो देखा ना सनरूफ, हाँ वरना से ऑलमोस्ट मतलब पूरा डबल ना होगा पर ऑलमोस्ट डबल है। दूसरी चीज भाई मैं अपने सनरूफ में शायद मतलब दूसरी तीसरी बार निकलाऊंगा, वरना मेरे को तो याद है पहली बार निकला क्योंकि जितने बार हम घूमने भी गए ना तो मैं गाड़ी चला रहा होगा था और ये पटियाला ले करता मजा। हाँ पटियाला बैठे करता, पटियाला कई बार सनरूफ में तो निकल जाया करता कभी, हाँ बैठ के चले करता, बहुत अंगाई करी है उसने। इसका सनरूफ बढ़िया है, साफ सफाई करवा कर खुद पता ना चले, नहीं तो देखियो जाऊंगा तो तुम उसके मजे लो, बीएम के मजे लो। एक मिनट भाई सनरूफ बंद, जब तक बंद ना हो जब तक मत जियो, कभी खराब हो जाए। पागल है के ले एक बारी में चल रहा सब कुछ, एक बारी में काम हो रहे। चलो ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। ये भाई अभी भी लेकर निकल लिया है अपनी, ठीक है मैं अपनी बीएम से हाँ सेट है, ठीक है तो चल भाई दांत ले, ठीक है यार। वैसे ये तो है ग्राउंड मतलब जमीन के बिल्कुल चिपक के चलो, इनमें तो अलग ही मजा है वैसे इसका भी, और भगाने का अलग मजा है। स्कॉर्पियो में अगर मैं सो तो खैर बहुत ही कम भगाता हूँ, अगर मैं 70-80 की स्पीड पे भी भगती है ना जब स्कॉर्पियो तो ऐसा लगता है कि बहुत तेज चल रही है, और इसमें ऐसा है कि 120 की स्पीड पे भी अगर चल रही है तो ऐसा लगेगा बहुत नॉर्मल ऐसा लगता है कि नॉर्मल चल रही है, कुछ है ही नहीं। भाई एक बार आवाज़ थोड़ी सी चेक करके बताओ, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ कर रही हो मतलब गाड़ी चलने में, या तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद निकाली है या फिर वैसे। एक तो भाई ये गाड़ी है ठीक है, ये जा रही है अड्डे गड्ढे पार, कितने भी गड्ढे आ जाओ कुछ भी आ जाओ। एक अपना ये है, इसको चलाना पड़ता है थोड़ा संभाल के, लेकिन उतना ही मजा भी है इसको संभाल के चलाने में क्योंकि ऐसा लगता है बिल्कुल कंफर्टेबल। गाइस जो मैंने अभी ये गाड़ी निकाली है, बीएम निकालने का पर्पस यही था कि अभी कुछ दिन इसको चला के देख लेता हूं, अगर ये सब कुछ ओके रहता है इसमें सब कुछ सही रहता है तो फिर कुछ दिन हम इसी को यूज करेंगे, मतलब जैसे तुम्हारी भाभी के लिए जैसे प्रेगनेंसी में ये क्या नाम है स्कॉर्पियो और थार थोड़ा सा रिस्की हो जाती है। हालांकि जतिन ने थार जो दी थी गिफ्ट में अपनी भाभी को वो इसीलिए दी थी कि बढ़िया लगी चलाएंगी, पर भाई अब वो इस टाइम पे अभी थार चला नहीं सकते क्योंकि उसमें धचकी गड्ढे इतने मतलब उछलती ज्यादा है ना, वो ये चक्कर है। तो ट्रायल के लिए अभी ये बीएम निकाली, अगर सही रहेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी गाड़ी देखेंगे, वरना तो हमने बिल्कुल रिजेक्ट मतलब तुम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि भाई वरना मत लेना बहुत मतलब बेकार लग रही है गंदी लग रही है ये, वो मेरे को खुद भी पसंद नहीं आई थी तो वो कैंसिल है, या तो यही रहेगी या फिर कोई और लेंगे, और अगर कुछ टाइम हम रुक गए तो फिर उसके बाद तो बड़ी गाड़ी लेंगे मतलब बड़ी मतलब महंगी वाली देखेंगे अब कौन सी लेंगे, वो आने वाले टाइम में जब लेंगे जब बता देंगे। फिलहाल इसका मैं स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ, यार ये चिपक के चलती है ना भाई मजा ही अलग है चिपक के चलने वाली गाड़ियों का, ऊंची गाड़ी चला लो उसका एक अलग मजा है, पर जो ये है ना ये फील देख रहे हो स्पीड, ये अलग ही चीज़ है। गाड़ी यहाँ लगा दी मैंने, इधर साइड जगह नहीं थी मतलब आगे लगानी चाहिए थी वैसे तो मेरे को कायदे से, पर मैंने यहीं लगा दी क्योंकि मेरे को थोड़ी सी दवाइयाँ खरीदनी है वो ले लेता हूँ पहले। दवाइयाँ लेने आया हूँ मैं, सोच रहा हूँ प्रोटीन भी खत्म हो रहा है पर यहाँ से लेना ठीक होगा नहीं, अलग अलग तरह के रखे हैं वैसे तो सारे ब्रांड्स। भाई पूरा बैग भर के ये ले लिए दवाइयाँ, ठीक है इनका भी बड़ा टेढ़ा काम है, बहुत सारी तो दवाइयाँ दे रखी हैं, वो भी ऐसे ना है कि सिर्फ एक बार लेने, दिन में दो दो बार सुबह शाम ऐसे लो ये लो वो लो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है भाई बीमार, मतलब ऐसा होना चाहिए इंसान दवाई ववाई खाने की जरूरत ही ना पड़े कभी जिंदगी में, पर ये टाइम पे तो खानी पड़ती है भाई क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है। फिलहाल तो मेरा जिम जाने का प्लान था लेकिन वो कैंसिल हो गया है, नहीं जा पाया आज क्योंकि आज है संडे, तो जल्दी मतलब ऐसा था जिम लेट खुली थी और थोड़ी सी जल्दी बंद हो गई, ये जो नज़दीक वाली थी जिसमें जाता मैं उसमें वो थोड़ी जल्दी बंद हो गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आज बिना जिम के रह लेते हैं, फिर अपने यार दोस्त आ रहे हैं पंडा पटियाला संदीप ये सब आ रहे हैं तो ये सीधा ऑफिस पे आएंगे, वहाँ पे कुछ खाने पीने का अपना सेटअप बैठाते हैं कुछ, अगर अब चीट हो ही गया जिम से जिम का तो ऐसा है देखो मैं कुछ ना कुछ मतलब घर पे जाके थोड़ा सा यहाँ मतलब ऑफिस पे जाके यही पुशअप्स वगैरह मार लूंगा उससे काम चला लेंगे आज तो। लेकिन अपनी वेब सीरीज आ रही है भाई जिला गुड़गांव के नाम से, ठीक है वो देखना, अभी तो स्क्रिप्टिंग ही पूरी नहीं हुई है खैर, पर नहीं मतलब ऑलमोस्ट हो गई है, अभी मैक्सिमम कल का दिन और लगा लो उसमें जाएगा, परसों से हमारा शूट 110% स्टार्ट हो ही जाएगा 110%, इस बार कोई वो नहीं सब कुछ क्योंकि रिटर्न में जब तक नहीं हो जाता ना जब तक दिक्कत रहती है, और जतिन और ये चले गए थे बीच में तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक दो दिन का डिले हो गया, पर ये जल्दी आ गए घूम के तो फिर मैंने कहा चलो दोबारा काम पे लग जाते हैं। कल का दिन और है बस हमारा स्क्रिप्टिंग का, उसके बाद परसों से शूट चालू, और तुम देखना भाई क्या चीज़ आ रही है, तुम्हारा दिल अगर खुश ना हो जाए
तो तुम क्या ना, तुमने मतलब मैंने पहले जो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया, जैसे मैंने वो उत्तर प्रदेश वाली निकाली थी, तो यूपी में स्वागत है, ठीक है, दूसरा वो हरियाणा छोरा इन कॉलेज वाली जो सीरीज थी, सबसे ज्यादा जो मेरी लोगों ने, आप लोगों ने पसंद करी, बहुत से लोगों ने मेरे को कहा कि भाई क्या मस्त फिल्म निकाल रखी है तुमने, मूवी बना रखी है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ जो ये बनेगी जिला गुड़गांव, ये एक अलग लेवल, और जिसका इसका ऐसे रहेगा कि ऐसे ऐसे चलती है ना कोई चीज, मतलब ऐसे लेवल ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे रहेगा इसका सीन। गाइस हमारे पंडा भाई ने एक कसम खा लिया आज। पंडा बता दे क्या है जो तू कह रहा, गाड़ी लेके वहां जाऊंगा। भाई पंडा अपनी गाड़ी लेके और यहां से किसी भी फॉरेन कंट्री जाएगा। अरे बेटे इसने मना कर दी, लोग हो गया सेंट्रो से है? अच्छा अपना आप ही है, इसने करिए होटल लोग है क्या भाई, भी ना दूंगी अगर ऐसा सोचेगा तो ना, नेपाल तो जा सकती होगी नहीं, ये घर में मुश्किल पहुंचेगी घर का ना, ना ना चली जाएगी, चली जाएगी ना पंडा, जानी पड़ेगा ना जाएगी तो। छोट पंडा आज कितनी बार बंद हुई मार्क्स में, कहां का बताइयो, ना ऐसा 70-80 बार हुई है ना बंद, 70-80 बार बंद हुई है, ये सीएनजी में लगाते बंद हो जावे और ये चलावे सीएनजी में, नुकर 10 की एवरेज है पेट्रोल में कितने की और 10 की एवरेज है पेट्रोल में, अच्छा पेट्रोल में तो सीएनजी में चलावे, अच्छा सीएनजी में कितने की देता है पंडा, बहुत तकलीफ हो रही है, सीएनजी में कितने देते हैं, तो पेट्रोल और सीएनजी बराबर ही तो हो रही है मेरे ख्याल में रेट, सीएनजी पेट्रोल बराबर है लेकिन एवरेज एवरेज उसमें डबल है। भाई हम सोच रहे हैं सेंट्रो लेक कहीं चले जाएं, सुन इसकी छत वत पड़वा दे, सोची थी मैंने, अगर हम सोच रहे हैं सेंट्रो कहीं छोड़ आए ले जा रहे हैं, तो मैंने सोची थी कि चल पेट्रोल डलवाऊंगा या टंकी फुल कराऊंगा, लेकिन टायर देख के फिर उम्मीद से खत्म हो गई, क्या होगा खजल हो रहा है, इसलिए टायर चेंज करवाना पड़ेगा पहले, तेल बाद में डलवाऊंगा क्या कर रहा है भाई, बहुत समस्याएं हैं जिंदगी में, पर बनाएंगे, अभी एक हम रोड ट्रिप का कुछ प्लान कर रहे हैं, कहीं रोड ट्रिप पे कहां जाएं, थोड़ा सा कमेंट में थोड़ा सा वो दो सजेशंस दो हमें, क्या है ये भी ना लग पा रहा मारता तो, और ये जब यो हाल है जब यो गाड़ी कंपनी को काम करे ये भाई खुद ही ना लगा रहा, अभी इसे देखे दूसरी गाड़ी लेने के चक्कर में पैसा ज्यादा आगा, हां देख रहा पैसा, इनकम टैक्स का वो ना पड़ जाए रेट कहीं, मिट्टी का डके पड़ गया, नाम भी मत लेगा किसका, नींद लाएगी इसे कही थी इनकम टैक्स, पुलिस का दांत सुनती भाई, इसमें क्या है, बहुत सम्मान करता हूं पुलिस का, मैं भी ले जा ले जा ले जा, ठीक है भाई कितनी आवाज कर रही है भाई, वीडियो खत्म करने से पहले माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हो, एक आईफोन 14 जीत सकते हो, ODA 4 के साथ साथ 1 करोड़ का प्राइज भी जीत सकते हो, अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश और 1500 रुपए का बोनस भी, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है।